हे देवा, ये कैसा मजाक है? सच में निमा, इस बस्ती के बच्चे ना कुछ ज्यादा ही शाने हैं। आई, अगर ये किसी का मजाक भी है ना तो बहुत ही भद्दा मजाक है। चलिए छोड़िए, इसके पीछे हम अपनी नींद नहीं खराब कर सकते। अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? मैं बस्ती के डस्टबिन में फेंकने जा रही हूँ। ताई, हाँ? क्या मस्त चटनी दी आपने। थैंक यू। वैसे आप यहाँ नए नए हैं, खाना तो हमें आपको भिजवाना चाहिए, लेकिन आप हमें खिला रही हैं। अरे इसमें क्या है, पर ये सब मैं अपने दिल से करती हूँ। हम लोग यहाँ जानते ही किसको है, एक सामने वो सुजाता और तुम लोग हो। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? ताई, आप लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन ये सुजाता और इसकी फैमिली से क्यों मिलते जुलते हैं? वो लोग बहुत अजीब हैं। क्यों, क्या बोल रही है तू? देखो ताई, आप यहाँ नई नई आई हो, पर वो लोग भी यहाँ नए हैं, लेकिन एक महीने से उनको सिर्फ नाम के वास्ते देखा गया है, शायद उतना भी नहीं। मैं बोली ना, वो लोग बहुत अजीब हैं। जब कोई घर पर मिलने के लिए जाता था, घर में रहने के बावजूद भी दरवाजा ही नहीं खोलते थे, या फिर सीधा भगा ही देते थे वहाँ से। बेचारा पति शुरू शुरू में एकदम बीमार ही आया था। हम बस्ती वाले इन लोगों से दूर ही रहते हैं। मेरी बात मानो ताई, आप और निमा इन लोगों से दूर ही रहो। चलो छोड़ो। हाँ। और बताओ, अपनी निमा है किधर? माता रानी, आपसे बस यही मांगती हूँ कि मेरे विराजी मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। सचमुच आप बहुत अच्छा गाती हैं। आप दोनों जो ढूंढने निकले हैं, माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्दी मिल जाए। केसर, आप एक मिनट, क्या हुआ तेरे को? तू ठीक तो है ना? ठीक तो है? आप पानी पीते रहिएगा, और ये एलर्जी वाली दवाई ना रात को एक बार सोने से पहले ले लीजिएगा। आपको केसर से एलर्जी है। ए? तेरे को कैसे पता इसको केसर से इसको केसर नहीं जमता। वो कुछ लोगों को केसर से एलर्जी होती है, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर है तू, बेबी है इसकी, नहीं ना तो नाटक करना बंद कर और जितना हो सके उतना हम लोगों से दूर रहा कर, समझी? तुम उनके साथ ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो हमारी सिर्फ मदद कर रही थी। लोगों के इरादों पे शक करना बंद करो। हर कोई बुरा इंसान नहीं होता। थैंक यू। ये लीजिए, आपके हो गए पूरे 1250। जी भैया जी, अभी तो मेरे पास 1000 रुपए ही है। अब 15 मिनट बाद आके 250 दे दूंगी, चलेगा आपको?
मैं यही रहती हूँ, खोली नंबर 24। ओ मैडम, किराने की दुकान चलाता हूँ मैं, कोई सेठ साहूकार नहीं हूँ जो उधार देता फिरूं। पैसे दो और सामान लो, और वैसे भी आप यहाँ पे नहीं हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर उधार कैसे दूं? भैया जी आपको क्या लगता है 250 रुपए के लिए मैं आपको धोखा दूंगी? अरे मैडम, बहुत चिंदी चोर किस्म के इंसान रहते हैं इस मोहल्ले में, और मैं तो आपको जानता भी नहीं। वैसे आप चाहो तो हम अपनी जान पहचान बना सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सुजाता है? सुजाता घर पर नहीं है, बाद में आना, जाओ। अरे तो क्या हुआ, आप तो है। माना कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, ठीक है ना, बस बातें तो करनी है। ए, क्या बोली तू, उम्र में बड़ी मैं? हाँ। अरे मेरे को तो सिर्फ 21 साल का बेटा है, लेकिन तेरे को, जहाँ तक मेरे को खबर है ना, इस उम्र के तो तेरे पोते पोती है बात करती है। अरे तो क्या हुआ, कोई भी ना 20-20 साल का अंतर रख के ना बच्चा पैदा करता है तो क्या 16 साल का थोड़ी होता है? खुद तो नानी है लेकिन बच्चा नहीं बनती है। ए देख, नहीं ऐसे जाता घर में, जा तू बाद में आ जा, जा। ए सुनीता, अरे तू इस एड़ी से दोस्ती करने आई है सारी जानकारी पाने के लिए, संभल अपने आप को। अरे सरिता क्यों नाराज होती हो, बस मैं तो मजाक कर रही थी। अरे तूने तो अपने आप को इतना फिटम फट रखा है ना, क्या बोलूं? सच में जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना, मुझे ऐसे लगा शायद ये सुजाता की बहन होगी। अब मेरे को तो ऐसा सब लोग बोलते हैं। क्या झूठ बोलती है, सपने में देखा इसे। हा? अरे क्या रे, तू ना शाम को जरा बाहर आया करना, दूसरे लेडीज लोगों के साथ जरा गप्पे शप्पे मारना चाहिए ना, दिन भर अकेले घर में बैठे बैठे कटाला आता नहीं क्या तुझे? तेरी कोई दोस्त वगैरह नहीं है क्या रे? अरे काय के दोस्त, सुजाता को है ना मेरा किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता। क्यों क्यों, ऐसा क्यों? क्या है, अगर मैं किसी को कुछ बोल दूं तो वो नहीं, मतलब थोड़ी तू कुछ खराब बोल देती है, तू टेंशन मत ले, मुझे भी बेटी है ना। हाँ तो कभी कभी ना दिमाग खा जाती है ये लड़कियां। हाँ पर क्या है, मैं तुझे बोल देती हूँ, दूसरों से बातें करने से ना दिल हल्का हो जाता है, तू कभी भी आके मेरे से बात कर सकती है। हाँ। क्या कुसुर कुसुर हो रही है तुम दोनों के बीच? नहीं 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 कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। हाँ हाँ ना, बस यहाँ वहाँ की बातें। कुछ काम था आंटी जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चली आई, उस दिन आप लोग आए आपके साथ कुछ बात ही नहीं हुई ना, बस ऐसे ही मिलने चाहिए आई। क्या है ना आंटी जी, ऐसे बिन बुलाए घर आ जाना और घर आकर आलतू फालतू की बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खास करके दखल देने वाले पड़ोसी लोग तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आंटी जी ठीक है ठीक है, चली जाती हूँ मैं, कोई बात नहीं, चलती हूँ। सारे बदतमीज लोग यही आके बस गए। कहाँ गई थी आप आई? अरे वो सुजाता का कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है, अभी भी मैं उधर से आ रही हूँ, सोचा उसके आई के साथ दोस्ती करूंगी, कुछ ना कुछ जानकारी लूंगी। अरे वो कुछ ना कुछ बोल पाती, पर पता नहीं ये साइको किधर से आके टपके। अरे मेरा वहां रहना भी उसे सहा नहीं गया, सीधा बोल दिया मुझे उल्टा सीधा। आई आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो। अरे मैं इस उम्मीद से गई थी कुछ ना कुछ जानकारी मिले। आई कुछ तो खटकता है मुझे भी इस सुजाता के बारे में, कुछ नहीं बहुत ज्यादा, और पता नहीं इस बस्ती के लोग भी ना बहुत अजीब ही है। क्यों क्या हुआ? अरे वो मैं किराने वाले दुकान में गई थी,
उस कमीने दुकानदार को तो मैं अभी के अभी जाके ठीक करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी कहा हम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले, जैसे ही सब पता लग जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। आई, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, मेरा यकीन और भी पक्का हो रहा है कि मानवी विराट जी है। अरे, मुझसे ज्यादा तो ये बात उन्हें महसूस होनी चाहिए। भगवान ही जाने कि उन्हें अब तक कोई शक या एहसास हुआ भी या नहीं। भाई जरा रुकना 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 एक मिनट। भाई जरा दो मिनट रुको, मैं दुकान से थोड़ा सामान लेके आया हूं। सर थोड़ा जल्दी आना। अरे बस अभी आया, दो मिनट। मैं उसे जानता भी नहीं हूं, फिर भी उसके साथ एक अलग सा अपनापन महसूस होता है, एक अलग ही करीबी। अरे सर, आप यहाँ, आप ऑफिस क्यों नहीं आते? मैं आपको बता नहीं सकती लोगों ने कितनी अफवाह फैलाई हुई है, और हम लोग तो अपनी जॉब को लेकर इतना परेशान हैं। मैडम मैडम, आप जो मुझे समझ रही हैं वो मैं नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं एक रिक्शा वाला हूँ और यही मेरी ऑफिस है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी करो। आपकी शक्ल तो बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये मीटर ऑन है, तुम मेरा पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हो, जल्दी करो। मैडम जाना होगा, आपको गलतफहमी हुई है। ये हो क्या रहा है? पहले पुलिस को लगा कि मैं कोई और था, और अब इस लड़की को भी वही लग रहा है। फिर से दाल चावल नहीं, मतलब कभी कुछ और भी बना लिया करो। आई मीन खाने में कभी छोले भटूरे, कभी राजमा चावल, ऐसा कुछ हो तो तब जिंदगी का मजा आ जाए। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर तू भी मुझे कभी कभी लोनावला या फिर खंडाला घुमाने लेके जाया कर। वो क्या है ना, अलग अलग जगह जाएंगे तो जिंदगी में भी मजा आ जाए, है कि नहीं? और वैसे भी तू तो मुझे जुहू बीच तक लेके नहीं गया रे आज तक। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं मानो, बोलना। अरे वही घसा पीटा खाना, क्या दाल भात, वही बटाटे की भाजी। अरे आई, अरे जेल के कैदियों को भी हर रोज अलग अलग खाना मिलता होगा, वो लोग भले बुरे होंगे पर उनका खाना यहाँ से अच्छा होगा। हाँ एकदम। ये ना अरे क्या हो गया, खा लेंगे दाल चावल। ए सुजाता, सुजाता अरे पहले खाने दे, भूख लग। सुजाता तुम सभी लोगों को मेरा खाना अच्छा नहीं लगता ना शानो, तो खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। सो जाओ भूखे पे। क्या जीजू आप भी फालतू में काय को मचमच करने का, अरे चुपचाप दाल चावल खा लेने का ना। दीदी जैसी भी है पर आपसे बहुत प्यार करती है, क्या है? हाँ क्या मानो तुम भी ना। अरे देखा ना, सब खाना फेंक दिया, पता नहीं भगवान जाने अब क्या क्या फेंकेगी। फेंका सुजा। सुजाता क्या है ये सब, इतना गुस्सा, खाने का भी अपमान कर दिया तुमने, खाना फेंक दिया। और मेरा अपमान? तुम सभी लोग मेरे पे हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उसका क्या? कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा था, कोई तुम्हारा मजाक।
मैं तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था ना यार, अगर कुछ खाने का मन करेगा तो तुमसे नहीं तो किससे कहूंगा बताओ। और वैसे भी इस घर में अपनापन महसूस ही नहीं होता, यहां से ज्यादा तो बाहर वाले अपनापन दिखाते हैं। निमा, ये तू तू कल रात फेंक के आई थी ना, तो वापस कैसे आया? पता नहीं। क्या निमा, तुमने मेरा तोहफा ही फेंक दिया? चलो अब मैं तुम्हें और भी अच्छा सरप्राइज भेज रहा हूँ। निमा, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ही, डरने से क्या होगा, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। अरे पर दीदी मुझे माफ कर दीजिए। अरे ठीक है, पाव तो छोड़िए। बोलिए ना, आपने मुझे माफ किया है? नहीं, ठीक है ठीक है, माफ कर दिया माफ। निमा, ये कौन है ये? हाय वही दुकान वाला। अच्छा ये है, मेरा तो मन करता है और दो तीन दे दूं इसके कान के नीचे, इसका तो थोड़ा पहले से बिगड़ा है। आपने जो भी सामान खरीदा था वो सब लेके मैं आया हूँ, आप इसे रख लीजिए, बस उसे कुछ मत कहना वरना वो फिर मुझे मारेगा। उसे किसे, कौन मारेगा, किसकी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अब ये सामान रख लीजिए। पैसे तो लेके जाइए। अरे नहीं, इसे भेंट समझ के रख लो। ये कौन है जो ऐसे बेहुदा मजाक करे? निमा, दुकानदार को जिसने मारा कहीं वो तो नहीं जो तुझे तोहफा बेचता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, लगता है कोई तो तेरे पीछे पड़ा है। आई, मेरी उम्र देखो ना, कौन पीछे पड़ेगा? वो दुकानदार को सच में बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं थी, खासकर औरतों से, तो किसी ने शायद बातों की जगह लातों से समझा दिया होगा। कुछ भी हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भाई टेंशन मत लो ना, मेरे खातिर मत लो प्लीज।